पावर बीआई में करने जा रहे हैं तो टैक्स फंक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे, एक नया कॉलम ऐड लेंगे और इसमें से सिर्फ मंथ को अलग करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा टेबल है कॉलम टूल्स में जाकर देखेंगे तो ये अनकोटराइज डेटा है और टेक्स्ट डेटा यहाँ दिखा रहा फॉर्म में टेक्स्ट है, डेटा टाइप टेक्स्ट। तो मुझे सिर्फ मंथ को ऐड करना, जस्ट मंथ को ऐड करना है। तो कॉलम पे जाते हैं, न्यू कॉलम पे, और यहाँ न्यू कॉलम में हम यहाँ देते हैं मंथ, मंथ है एमएम कर देता हूँ और फिर यहाँ पे देता हूँ फॉर्मूला, मुझे लेफ्ट से लेना है तो यहाँ पे मैं लेफ्ट और लेफ्ट से मैं करता हूँ इसमें सेलेक्ट करता हूँ मंथ और कॉमा हमने दिया थ्री लेटर को अलग कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि जरूरी नहीं कि मंथ जब जनवरी हो, जनवरी भी तो हो सकता है क्या, तो यहाँ जो स्पेस है मुझे इस स्पेस के बिहाफ से अलग करना है, मुझे स्पेस के बिहाफ से अलग करना है। तो स्पेस है एक, कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमारे पास फाइंड या सर्च का फॉर्मूला होता है। हमने बोला कि स्पेस किसके अंदर में, तो मंथ के अंदर में, और कहाँ से, तो वन से फाइंड करना है। एंटर मार दें आपको जीरो एरर आएगा, नहीं आगे एरर आएगा, इसमें एरर आने के चांसेस हैं। एरर के कहाँ है, नहीं अभी तो आ गया, एरर के चांसेस कहाँ होंगे, जहाँ पे वो ये फाइंड नहीं होगा। अभी तो सब में स्पेस है इसलिए दे दिया, ऐसा हो सकता है किसी में स्पेस ना हो तो एरर आएगा, तो एरर किसी, क्योंकि ये एक्सेल नहीं, एक सेल में एरर आएगा, ये पूरे कॉलम को एरर देगा, बात समझे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ जे को सर्च करता हूँ, जनवरी हटा देता हूँ, जे को सर्च करता हूँ, जे ओके एरर दे दिया, क्योंकि जे सब में नहीं है, बात समझे। तो जहां भी फाइंड या सर्च का इस्तेमाल करेंगे आप वहां पे इसको इफ एरर के अंदर में रखेंगे। ध्यान रखिएगा कि इफ एरर, अगर ये एरर दिया तो यहां पे हमें जीरो देना है, क्या देना है, जीरो, ठीक है, तो रिजल्ट आएगा। तो मुझे यहाँ पे स्पेस करना था तो स्पेस कर दिया, तो स्पेस करने से मुझे इसका लोकेशन पता चल गया, राइट। तो मुझे क्या, इसमें से स्पेस से पहले वाले पार्ट को अलग करना है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट फॉर्मूला लूंगा और इसमें मंथ को सिलेक्ट करूंगा और बोलूंगा कि जो इस एरर की रिजल्ट है उससे एक कम रिजल्ट को आ गया, क्लियर है। तो एक एग्जांपल बताने का ये है कि हम आपको इफ एरर को समझा सके कि इफ एरर आखिर करता क्या है, क्लियर है। एक बार हम फॉर्मूले लिस्ट में आते हैं, जो लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया था, डैक्स फंक्शन, और इस डैक्स फंक्शन में हम यहां इफ फॉर्मूले, लॉजिकल फॉर्मूले में, तो हमने एंड को कर लिया, हमने इफ को कर लिया, हमने इफ एरर को कर लिया, हमने यहां और को कर लिया। अब बात आती है स्विच, स्विच को भी हमने किया था ना सर, नहीं किया। तो स्विच का मछली बताता हूं आपको, स्विच का फॉर्मूला क्या करता है, स्विच का फॉर्मूला करता है कि एक्सप्रेशन दे दिया और वैल्यू रिजल्ट वैल्यू रिजल्ट वैल्यू रिजल्ट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने डेटा में आते हैं, हमारा डेटा ये है, जैसे कि मुझे यहाँ पे देना है कि अगर जैन क्वार्टर देना है, मुझे एक नया कॉलम बनाना है क्वार्टर का, ठीक है, तो क्वार्टर यहाँ पे क्यू क्योंकि नाम से बना देता हूं और यहां पे हम देते हैं फॉर्मूला स्विच का, स्विच में हमने दे दिया यहां पे जो हमने निकाला बनाया है कौन सा एमएन का,
एम। और कॉमा हमने बोला कि अगर ये जैन हो तो यहां पे क्वार्टर वन आना चाहिए। फिर यहां पे अगर यहां पे इन्वर्टेड कॉमा लगा देगा, अगर ये आपका फैब हो तो यहां पे क्वार्टर टू देना, क्वार्टर क्वार्टर वन ही करना है। फिर यहां पे अगर ये मार्च हो, दिख रहा है आपको सर? ऐसे इसके लिए हमें एक एक इफ लगाना पड़ता है ना सर। तो सर हम मतलब ये दोनों में इफ और स्विच मैं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये यहाँ पे स्विच का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे यहां इसका पे कर देखिए सकते हैं? मुझे एक ही जगह पे अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग कंडीशन अलग अलग रिजल्ट देना है, तो यहां पे हम स्विच लेंगे। इसमें कोई ग्रेटर देन नहीं, इक्वल है, इक्वल पे काम करता है, ध्यान रखिएगा। ग्रेटर देन लेस देन ऐसे ऐसी चीजें नहीं कर सकते आप, करता। ओके ठीक है। वैसे मैंने बोला कि अगर ये अप्रैल है तो यहां पे आ जाए क्वार्टर टू। अब इस पे एंटर मार दीजिए, आ गया वन क्वार्टर टू आ गया ना। तो अभी मान लीजिए मैं इस पे आपको एक एक अलग अलग इफ लगाना पड़ता ना, नेस्टरी क्या बोल रहे हैं, जी सर। तो नेस्टरी से तो बच गया, स्विच का काम। अब इसमें एक आपका नॉट क्या करता है, वो फॉल्स को ट्रू एंड ट्रू को फॉल्स अपोजिट कर देता है। और एक आपका इफ एजर है करके, इफ एजर क्या करता है, वो इफ की तरह काम करता है कि लॉजिकल टेस्ट ट्रू एंड फॉल्स, तो क्या होना चाहिए, इफ की तरह ही काम करता है। अच्छा, डिफरेंस क्या है इफ और इगर में? सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कि हाँ, इसमें देखिए इसमें क्या है कि आपको लॉजिकल टेस्ट और रिजल्ट ट्रू देना कंपलसरी है, लॉजिकल फॉल्स। ठीक है, लॉजिकल फॉल्स जो है आपका ऑप्शनल है। समझे? आप इफ में चले जाएं तो इफ में आपका यहां भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है सर, इसमें सेम ही है। और कुछ और चीजें हो सकती है तो आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा जब मैं फॉर्मूला करूंगा। तो हाँ, इसमें है, यहां पे देखिए कि अगर फॉल्स आप नहीं देते हैं तो ये आपको ब्लैंक रिटर्न करेगा। और ओके, इसमें क्या होता है कि अगर फॉल्स होगा तो यहाँ भी ब्लैंक है, फॉल्स रिटर्न नहीं तो करेगा, फॉल्स। फॉल्स ही ब्लैंक रिटर्न करेगा, खास में अंतर नहीं है, सेम है। तो इफ को और अच्छी तरीके से समझने के लिए जरूरी है कि आप कुछ एक्सरसाइज करें। क्या बोल रहे हैं? कैसे? तो मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको आप कर सकते हैं। तो मैं आपको एक फाइल भेज रहा हूँ, उसमें इफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं आपको एक फाइल भेज रहा हूँ जिसमें आपको इफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, उसको एक बार उसके एग्जाम्पल आप इस पे बना के दिखाएं पावर बीआई पे। ओके, ठीक है सर? ओके सर। मनीष जी, जी सर। ठीक है ना, इफ इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ।
चलिए मैंने भेज दिया, इसको बना के फटाफट भेजिए, फिर कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आगे की चीजें।